भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने आज रामपुर व आनी के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने इस क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा भी लिया। उन्होंने बताया कि समेज गांव का भयावह मंजर दुखी कर देने वाला है। एक हरा भरा गांव जिसमें 22 मकान थे, सभी 22 मकानों को तूफानी गति से जो पानी, पत्थर, मलबा, बड़े बड़े पेड़ बहा कर ले गए। हड़बड़ाहट में कुछ लोग दौड़ भाग कर इधर उधर अपनी जान बचा पाए, परंतु 36 लोग अभी भी लापता हैं। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उनके सुरक्षित होने की कोई संभावनाएं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। उन्होंने बताया कि 3 बालिकाएं ऐसी हैं जो वॉलीबॉल में नेशनल खेलने वाली थी, जो कि लापता है। गाँव का स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक भवन, पावर हाउस सब समाप्त हो गए। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि इस प्रकार समेज में, गानवी में, बागी में, केदस में सब जगह जो तबाही हुई है वो श्रीखंड पर्वत पर किसी एक स्थान पर बादल फटने से हुई है। वहां से सारा पानी अलग अलग नालों में निकला और क्योंकि पानी बहुत ऊंचाई से आया था इसलिए उसका वेग बहुत तेज था, जिसके कारण अत्यधिक नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर पीड़ित परिवारों की मदद करनी है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वो आपदा प्रभावित परिवारों की हर संभव सहायता करने के लिए प्रदेश सरकार से स्वयं बात करेंगे। सर, ये जो बादल फटने के बाद जो घटना हुई है, इसके बाद जो राहत कार्य चल रहे हैं, क्या इससे संतुष्ट है कि किस तरह के प्रयास होने चाहिए? बहुत ही दुखदायी घटना है। रात के पहर में सडनली और बादल फटते हैं, चाहे वो बागी पुल का स्थान है, चाहे वो केदस का स्थान है, समेज है, जहाँ पर भी ये त्रासदी हुई है बहुत भयानक। और हम यहाँ बागी पुल पर खड़े हैं तो ये सारे प्रभावित परिवार हैं। परिवार के सदस्य कुछ चले गए। अब यहाँ पर जिस तरह से हजारों टन मलबा, बड़े बड़े पेड़ और पानी का एकदम सैलाब यहाँ पर आया, तो जहाँ हम खड़े हैं इस समय ये जो दलदल हमको दिख रही है, यहाँ पर कई कई मंजिला मकान थे जो क्षणों के अंदर बह गए। 7 व्यक्ति इसी स्थान से और लापता है, जिनमें से एक ही शरीर मिला है। ऐसी बहुत ही दुखदायी घटना और लगभग 12-13 मकान पूरी तरह जमीन दोज हो गए और लगभग 9-10 मकान पार्टली यहाँ पर टूटे हैं, ख़त्म हुए हैं। ऐसा ही समेज के अंदर लगभग 26 मकान बहे हैं और 36 लोग वहाँ लापता हैं। ऐसे ही हमारा जो और रामपुर के क्षेत्र में, वहाँ पर भी लगभग 8 मकान पूरी तरह ध्वस्त हुए पर जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और केदस में भी 4 मकान खत्म हुए पर जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ऐसा यहाँ बताया जा रहा है कि जो श्रीखंड महादेव है उनके आसपास ये कहीं क्लाउड बस्ट हुआ है और वही पानी चारों पांचों तरफ डिवाइड होकर के और 2 दिन पहले की मध्य रात्रि के अंदर आया। अब ये जो हानि हुई है इसमें हम सब लोगों को मिलकर के इन परिवारों के साथ खड़े होना है, जो और भगवान को प्यारे हो गए वो लोग मिल जाएं। सर्च का काम चला हुआ है, भगवान करे उसमें भी सांस हो जिनमें ऐसे मिल जाए, परंतु हम सबको मिलकर के राहत और बचाव कार्य करने हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सभी आपदा प्रभावित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी और हर संभव सहायता प्रदेश की सरकार से भी स्वयं में भी कराने में जुटेंगे। केंद्र से श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त किया है
हर प्रकार की सहायता करेंगे ताकि ये जो कष्ट का समय है इसमें हम सारथी की तरह से सबके साथ खड़े हो सकें। और जो दिवंगत हो चुके हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त की जा सकती है, उसको हम पूरी तरह कवर अप करने की स्थिति में नहीं है, परंतु आने वाले समय में ये हरे भरे गांव पुनः स्थापित हो ये हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, पुल पुराना भी बह गया, नया बन रहा वो भी बह गया पुल, और इसी प्रकार से यहाँ बस अड्डा था, दुकानें थी, मकान थे, सबको भारी क्षति हुई है, और इसको प्रतिपूर्ति में समय भी लगेगा और सब मिल करके इसको पूरा करेंगे।